हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज आप लोगों के साथ फिर से एक मैं नया क्यूएनए सेशन लेके आया हूँ। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने आपके शामिल किया है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्यूएनए सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो दोस्तों, जो वीडियो का पहला सवाल है वो है एनी रैंडम से। सर जी पूछते हैं, इज देयर वे टू गेट अ सेंटर आर्म रेस्ट इन द रियर सीट ऑफ टियागो। तो सर जी देखिए, लगने को तो कुछ भी लग सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ें गाड़ियों में होने लगी हैं, आप जितना चाहें उतना कस्टमाइज कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप पीछे सेंटर आर्मरेस्ट लगवा सकते हैं, बहुत सारे एडवांस सीट कवर मेकर्स अभी अवेलेबल हैं, सीट मेकर्स अवेलेबल हैं, जो यहाँ पीछे कट करके आप सेंटर आर्मरेस्ट लगा देते हैं। थोड़ा मॉडिफिकेशन ज़्यादा करना पड़ेगा और थोड़ा कटिंग वगैरह ज़्यादा होगी, बट आप चाहें तो करवा सकते हैं। इज इट डूएबल, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे सवाल की तरफ। यह है रविंदर सिंह जी का। रविंदर जी लिखते हैं कि आई हैव टियागो XTO वेरियंट, आई वॉन्ट टू इंस्टॉल फोग लाइट्स, कैन यू सजेस्ट सम ऑप्शंस एज आई हैव सम डाउट्स लाइक नंबर वन, शुड आई बाई फ्रॉम टाटा आर आफ्टर मार्केट, इफ आई कंसिडर बाइंग फ्रॉम टाटा डू द लाइट आउटपुट विल बी गुड, वॉट विल बी द बेस्ट ऑप्शन इफ आई कंसिडर आफ्टर मार्केट। ठीक है, तो पहली बात रविंद्र जी कि आप फोग लैम्प डेफिनेटली अपने XTO वेरिएंट में लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, कोई इशू नहीं है। कपलर टू कपलर वायरिंग होती है तो वारंटी वगैरह का भी कोई इशू नहीं है, दैट इज़ नंबर वन। दूसरा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आफ्टर मार्केट लगवाइए। उसका दो रीज़न है। सबसे पहली बात कि जो आप सर्विस सेंटर में लगवाओगे तो वहाँ पर नॉर्मल जो आपके हेलोजन वाले फोग लैम्प्स हैं वही अवेलेबल होते हैं, वही लगाएंगे, और उसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, अप्रॉक्स 2x 3x तक चार्ज करते हैं। बाहर की मार्केट में आपको 1500 से 2000 रुपये में आपका फोग लैम्प आसानी से मिल जाता है, जबकि सर्विस सेंटर में आपको कभी कभी वो 4 से 5000 रुपये तक आराम से चार्ज कर लेते हैं। आउटपुट की जहाँ तक बात करें तो नॉर्मल हेलोजन फोग लैम्प लगता है, रिफ्लेक्टर टाइप उसमें आपका सिस्टम होता है, तो उसकी विजिबिलिटी जैसी होनी चाहिए नॉर्मली वैसी होती है, तो विजिबिलिटी के मामले में कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप सर्विस सेंटर से भी लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, जो विजिबिलिटी आपको बाहर वाले फोग लैम्प में मिलेगी वही यहाँ पर मिलेगी। लेकिन आफ्टर मार्केट पे लगवाने का जो मैंने आपको सजेशन दिया उसका दो फायदा है, एक तो आपकी कॉस्ट कम पड़ेगी, दूसरा आपके पास वहाँ पे वैरायटी भी मिल जाती है बहुत सारी। जैसे अगर आप टियागो की हेडलाइट की बात करें तो जो मैंने पर्सनली फील किया है कि टियागो का जो स्टॉक हेडलैम्प है वो उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, और जब आप रात में स्पेशली हाईवे पे ड्राइव करते हो कहीं लॉन्ग जर्नी में तो आपको जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं आता है क्योंकि ब्राइटनेस कम है। इसलिए मैंने भी अपनी गाड़ी का हेडलैम्प जो है उस बल्ब को अपग्रेड कराया है। तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप थोड़े पैसे खर्च करना चाहते हो अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़, तो आपका जो फोग लैम्प वाला सॉकेट है वहाँ पे आप HID प्रोजेक्टर लगवा सकते हो। तो उसका जो कॉस्ट है वो वेरी करता है, 10 से 15,000 रुपये के बीच में आपको दो HID प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं और बिल्कुल फोग लैम्प की जगह पे सेट होते हैं। तो उसका दो फायदा होता है, एक तो उसकी जो लाइट होती है बहुत नीचे होती है, जब आप हाईवे पे चलते हो सामने वाले की आंखों में चुभती नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, सामने वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपकी जो विजिबिलिटी है HID लगवाने के बाद, रविंद्र जी यकीन मानिए इतना बढ़िया उसकी विजिबिलिटी हो जाएगी कि आप अप्रॉक्स मतलब मान के चलिए किलोमीटर्स तक आपका रेंज हो जाता है, पूरी रोड एकदम बिल्कुल क्लियर आपको ब्राइट दिखती है। तो ये ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो बाहर से फोग लैम्प नॉर्मल फोग लैम्प लगवा सकते हो, पैसे बचा सकते हो, या फिर अगर आपको लाइट से प्रॉब्लम है तो आप HID पे भी अपग्रेड कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जैसी आपकी चॉइस है, जैसा आपका प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप आगे जा सकते हो। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अनुराग कुमार जी का। अनुराग कुमार जी लिखते हैं, क्या CNG लगाने से कार की सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है, स्पेशली हैचबैक कार्स, थिंकिंग टू बाई टाटा टियागो CNG, विल इट सेफ्टी गेट्स कंप्रोमाइज्ड। तो अनुराग जी देखिए, अगर आप कंपनी फिटेड CNG कार लेते हैं तो सेफ्टी में आपको कोई भी ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उस तरीके से गाड़ियों को डिज़ाइन करते हैं, उनका सस्पेंशन उस हिसाब से ट्यून करते हैं कि आपकी गाड़ी की जो ओवरऑल सेफ्टी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो CNG लगवाने के बाद सेफ्टी में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप टाटा CNG पे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, बेफिक्र होकर जा सकते हो। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भाई लोग बाहर से CNG लगवा रहे हैं उनको CNG लगवाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ से भी लगवाएं ढंग का टेक्नीसियन हो, जो प्रॉपर वायरिंग करे, जो प्रॉपर फिटिंग करे CNG की, वो प्रॉपर होनी चाहिए, कहीं पे भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी लीकेज वगैरह आती है आपके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट कॉज कर सकती है। तो चीज़ का आप डेफिनेटली ध्यान रखिएगा अगर आप आफ्टर मार्केट CNG लगवाते हैं। पर जैसा कि आप टियागो CNG पे जाना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी कंपनी फिटेड
आ रही है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, और सिक्योरिटी में आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो, जिससे आपकी नॉर्मल टियागो है वैसे भी टियागो रहेगी, 4 स्टार सेफ्टी रेटेड ओ भी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उस पर जा सकते हो। भाइयों बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे सवाल की तरफ, जो कि है राजा नारायणा जी से। तो राजा जी पूछते हैं कि अरुण जी, आई गॉट माय टियागो एक्सजेड प्लस रिसेंटली, शुड आई चूज द एक्सटेंडेड वारंटी, माय यूजेज इज लिमिटेड टू द सिटी एंड सो बेस्ड ऑन योर वीडियोज आई वाज थिंकिंग नॉट टू बाय, हाउएवर गिवन द सिचुएशन हर्ड अबाउट द एमसी प्लान्स, व्हाट आर दोज, बट कंफ्यूज बिटवीन एमसी एंड एक्सटेंडेड वारंटी, कुड यू गाइड मी प्लीज। लेकिन जहाँ तक आपके क्वेश्चन का सवाल है कि आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, आप सिर्फ सिटी में चलते हो, तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा कम है, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको शुरू में ही करनी पड़ जाती हैं, और जो गाड़ियाँ आजकल आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करके आती हैं, अगर किस्मत ही ख़राब है तो बात अलग है, अदरवाइज़ कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं होती है, और आप आराम से गाड़ी को 2 साल 4 साल 5 साल चलाओ, कोई स्पेयर पार्ट्स में कोई मेजर पार्ट्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो जैसा आपने बताया आपकी रनिंग अगर कम है, तो आई रिकमेंड कि आप इसको चाहो तो अवॉइड कर दो, ऐसी कोई दिक्कत आपको इससे नहीं होने वाली है। अगर आपकी रनिंग बहुत कम है तो लेने कोई मतलब भी नहीं है, अगर ज़्यादा होती है तो एक बार मैं बोलता भी आप ले लो, लेकिन अगर कम है तो यू कैन अवॉइड दीज सर्विसेज लाइक एमसी एंड एक्सटेंडेड वारंटी। दोस्तों अगला सवाल है हितेश मल्होत्रा जी का। हितेश जी पूछते हैं कि सर एसी की कूलिंग कैसी है, 45 to 50 degrees, प्लीज़ रिप्लाई। हितेश जी, जो टियागो की एसी कूलिंग है वो बिल्कुल ज़बरदस्त है, फाड़ू है, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने मार्च में अपने टियागो लिया था, उसके बाद मैंने मई जून की गर्मी में इसको ज़बरदस्त तरीके से चलाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितनी भी बाहर गर्मी हो, आप एसी ऑन करते हो तो विद इन 2 to 3 minutes आपका केबिन नॉर्मल हो जाता है, और विद इन 5 minutes बिल्कुल चिल्ड हो जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहले भी गाड़ियाँ चलाई हैं, मेरे पास दूसरी भी गाड़ियाँ थी, लेकिन कंपेरेटिवली इसका जो एसी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एसी के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के टियागो पे जा सकते हैं, एसी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विकास चोपड़ा जी का। विकास जी लिखते हैं कि हेलो सर, आई जस्ट बॉट टाटा टियागो XT, मेरे 2 questions हैं। मुझे अभी 12 to 13 km/h एवरेज मिल रहा है, ए कब तक एक्सटेंड होगा, फर्स्ट सर्विस के बाद या थर्ड सर्विस के बाद, और टियागो का जब फ्यूल इंडिकेटर शो करने लगता है लो फ्यूल का साइन, उस टाइम कार में कितना फ्यूल होता है, कार कितने किलोमीटर तक और चल सकती है। तो सर जी, जो आपका पहला क्वेश्चन है, टियागो का माइलेज अभी आपका 12 से 13 का आ रहा है, तो आई होप ये आपकी सिटी में आ रहा होगा जो मैं समझ पा रहा हूँ, और आप कह रहे हो कब तक एक्सटेंड हो जाएगा, सेकेंड के बाद या थर्ड के बाद। तो यहाँ पर विकास जी देखिए, अभी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, टियागो है कोई और गाड़ी हो, इसका जो भी गाड़ी का इंजन होता है प्रॉपरली चेक करके आता है, वो काफ़ी अच्छे से पहले ही चेक करके और उसकी रनिंग प्रॉपर करवा के तभी आते हैं, तो अभी माइलेज पे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है इवन आफ्टर थर्ड सर्विस। तो आप अगर 12 से 13 का भी पा रहे हो तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इंक्रीज हो सकता है, वो भी इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो ड्राइविंग हैबिट है वो थोड़ा सा बढ़िया इन्हेंस होती है जब आप गाड़ी को चलाते हो, आपका पैर सेट हो जाता है, तो आपका माइलेज उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बाकी सर्विस कराने के बाद कोई मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं 2 सर्विस करा चुका हूँ, तीसरी भी कराने वाला हूँ, तीसरी करा के मैं आपको बता दूँगा क्या डिफरेंस आया है, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता है क्योंकि मैंने और लोगों से काफ़ी इस पर बात कर ली है पहले ही। तो सर्विस कराने से माइलेज का कोई ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन अभी नहीं है, क्योंकि गाड़ियों का इंजन पहले चेक होके आता है। तो 12 से 13 का जो आपका माइलेज आ रहा है सिटी में आ रहा होगा, दैट इज़ ओके, सिटी में नॉर्मल सिटी में 12 से 13 का ही आता है। अगर आप थोड़ा एक्सटेंडेड ट्रिप करते हो तो वहाँ पे आपको 15-16 का माइलेज मिल जाता है, हाईवे पे अगर आप जाएंगे तो आपको 18 से लेकर के 22-23 तक का माइलेज टियागो दे देती है, डिपेंडिंग ऑन दी लाइक हाईवे कंडीशन और कैसे आप कितनी स्पीड पर आप चला रहे हो। बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी आप गाड़ी को चलाएं तो आप एक बार ट्रिप को आप दोबारा रीसेट करके ज़रूर आप माइलेज चेक किया करिए, क्योंकि अगर आप रीसेट नहीं करेंगे तो बहुत सारा वो जो पुराने वाले ट्रिप्स हैं वो कंबाइन करके आपका माइलेज शो करता है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप एक बार रीसेट करके चेक कीजिए और कोशिश कीजिए एक बार टैंक टू टैंक नापिए, तो आपको रियल माइलेज निकल के आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन को अगर मैं समराइज करके आंसर दूँ तो आपकी सर्विस से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, जितना माइलेज अभी आ रहा है ऑलमोस्ट उतना ही माइलेज आपको सेकंड और थर्ड सर्विस के बाद भी मिलेगा। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि जो इंडिकेटर आता है लो फ्यूल का, उसके बाद गाड़ी कितना चल जाती है, तो आइडली 50 से 60 किलोमीटर लो फ्यूल के इंडिकेटर आने के बाद भी गाड़ी चल जाती है,
लेकिन जब आपका लो फ्यूल होता है तो उस समय जितनी जल्दी हो सके रिफ्यूल करवा लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपका जो सेंसर है हो सकता है प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, आप कहीं फंस जाओ। बहुत कम होता है बट हो सकता है, तो नॉर्मली 50 किलोमीटर आप मान के चलिए रिजर्व में, लेकिन उससे पहले ही जल्दी हो सके रिफ्यूल करा लीजिए, दैट इज़ ए बेटर डिसीजन। दोस्तों बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ जो कि है प्रो एडमिन से। ये लिखते हैं कि सर क्या गाड़ी अगर फिफ्थ गियर में 80 की स्पीड पे चल रही है और ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है तो सीधे फुल क्लच दबाकर ब्रेक मारकर गाड़ी को रोकना सही है या फिर स्पीड कम होने पर ज़रूरत के हिसाब से फिर गियर लगाना सही है या फिर हल्का ब्रेक लेके फिर क्लच मारना सही है? तो सर आपको मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ करना क्या होता है। अगर आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पर चल रही है, 60 चल रही है, 50 चल रही है, किसी भी स्पीड पर चल रही है, अगर आपको ब्रेक लगाना है तो आपको क्लच दबा के ब्रेक कभी नहीं लगाना है। अगर आप क्लच दबा के ब्रेक लगाओगे तो आज से आप क्लच दबाते हो आपका जो पूरी गाड़ी का है आपका टायर जो है फ्री हो जाता है, फिर आप ब्रेक मारोगे तो आपकी गाड़ी स्किड करेगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पहले ब्रेक लगाना है, ब्रेक हल्का सा लगाना है, उसके साथ जैसे आपकी गाड़ी स्लो होती है फिर आपको क्लच प्रेस करना है, पहले ब्रेक देन क्लच, यही कॉम्बिनेशन होता है। कभी भी आप क्लच दबा के ब्रेक मत लगाइए। अगर आपकी गाड़ी की जैसे स्पीड स्लो करनी है तो हल्का सा ब्रेक लगा के आप स्पीड स्लो कर सकते हो, क्लच दबाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑल ऑफ सडन रोकनी है तभी पहले आपका पैर ब्रेक पे जाना चाहिए फिर क्लच पे जाना चाहिए। इस तरीके की प्रैक्टिस धीरे धीरे बिल्ड हो जाएगी जब आप गाड़ी चलाओगे, लेकिन क्लच दबा के कभी भी ब्रेक मत मारना, पहले ब्रेक मारना फिर क्लच मारना। वो भी ब्रेक आपको एकदम से झटके से नहीं मारना है, अगर कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो बात अलग है, नहीं तो हमेशा जेंटल तरीके से ब्रेक को प्रेस कीजिए, उसके बाद जब आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाए तो आप हल्का सा क्लच दबा के गाड़ी रोक लीजिए। तो दिस इज द प्रॉपर वे टू स्टॉप द कार एंड टू रिड्यूस द स्पीड। तो दोस्तों ये थे आज कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हिट द लाइक बटन, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही क्यूने सेशंस और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस गाड़ियों से रिलेटेड आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूँ। तो जल्दी दोस्तों मिलता हूँ किसी नए और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।